नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं अजय। वैसे तो इस सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। अब अध्यापक वर्ग को भी अपनी मांगों को लेकर, अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर आना पड़ रहा है। और मेरे साथ कैथल के अलग अलग गांवों में अलग अलग जगह पर सर्विस देने वाले लेक्चरर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर, ये इनका भी एक अपना एक मामला है जो प्रशासन के और सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। तो राजीव हैं, बूढ़ाखेड़ा गाँव में आप अपनी सर्विस देते हैं सरकारी स्कूल में, तो क्या है पूरा मामला एक बार तो वो बता दीजिए। जी, ये जो मामला है ये लेक्चरर साथियों की एलटीसी का मामला है। जी, एलटीसी 4 वर्ष में एक बार दी जाती है। तो जो पुराना हमारा एलटीसी क्या होती है? एलटीसी होती है लीव ट्रैवल कंसेशन। जी, 4 साल में यह एक बार दी जाती है कि जो कर्मचारी है उसका जो परिवार है वो घूम के आए, अपना एंजॉय करे। तो ये जो पिछला पीरियड था एलटीसी देने का वो 2016 से 2019 का था, लेकिन आज 2022 में हम आ चुके हैं। यानी कि जो चीज़ लेक्चरर साथियों को 2019 तक मिल जानी थी वो 2022 में भी नहीं मिल पाई है। इसमें पिछली बार भी क्या हुआ, मार्च के आसपास बजट डाला गया लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई और बजट वापस चला गया। अब फिर इस साल फिर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बजट आ चुका है लेकिन जो डायरेक्टरेट से फाइल गई हुई है वित्त विभाग को, वित्त विभाग में कई महीने से अब वो पेंडिंग पड़ा है। ट्रेजरी बिल बनाती है, ट्रेजरी में बिल बनाने के लिए लिंक की जरूरत है, वो लिंक ओपन नहीं हो रहा। यह जो समस्या है अपने आप में मेन अब क्यों है, इसका मुख्य कारण यह है कि 31 मार्च को फिर बजट की क्लोजिंग हो जाएगी। अगर इसी सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर लिंक जारी नहीं किया गया, इस महीने में लेक्चरर साथियों को एलटीसी नहीं मिली तो फिर से वो बजट वापस चला जाएगा जी, तो 1 साल की देरी फिर होगी। 1 साल क्या पता नहीं कितनी देरी हो सकती है जी, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। तो इस बारे में अब होली का त्योहार भी आने को है, तो हमारी सरकार से ये मांग है, मुख्यमंत्री साहब से ये मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर से ये मांग है और डायरेक्टर साहब से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लाते हुए, इस मामले को मुख्य मानते हुए जल्दी से जल्दी वित्त विभाग में बात की जाए, क्योंकि उनसे कोई दूर नहीं है। सारा जो मामला है वित्त विभाग का है, मुख्यमंत्री जी के अंडर है। तो जल्दी से जल्दी बात करके लेक्चरर साथियों की, हरियाणा में पता नहीं 10,000 से भी ज़्यादा साथियों की एलटीसी पेंडिंग है, तो जल्द से जल्द बजट जारी है, लिंक खोल दिया जाए और साथियों को एलटीसी प्रदान की जाए। अब हम लेक्चरर हैं, अध्यापक हैं, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना। अब 30 तारीख से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की डेट शीट आ चुकी है। अब अध्यापक क्या करे, अध्यापक आंदोलन करे अपने हकों के लिए, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है, तो अधिकारियों के लिए हक करे या बच्चों को पढ़ाएं। अब अध्यापकों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि यदि हमारा जो बजट है वो वापिस चला गया तो फिर से हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों की पढ़ाई के हित को देखते हुए, ताकि जो अध्यापक अपने शांत मन से बच्चों को पढ़ा सके, इसके लिए अगले सप्ताह ही वित्त विभाग से बात करके यह लिंक खुलवा दिया जाए और साथियों को जो है वो एलटीसी दे दी जाए जी। इससे पहले भी आपने किसी को शिकायत दी इस बाबत? हमारी जो यूनियन है हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, 10-12 दिन पहले भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनसे मिली थी, लेकिन वही डाक के 3 पात कि आगे कार्रवाई तो नहीं हुई, कि एक ज्ञापन ले लिया उन्होंने और आगे कोई उस समस्या पर कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारी मांग है कि इस मामले को सीएम साहब भी इसमें इन्वॉल्व हों, ईएम साहब भी हों और जल्द से जल्द इसका जो मसला है वो हल कराया जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ और साथी भी मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर है। कहाँ पे आप अपनी सेवाएं देते हैं? मैं लेक्चरर हिंदी GT+ बातम सेवारत हूँ। तो एक तो जो ये वेबसाइट का जिक्र कर दीजिए जिस पे ये लिंक जनरेट होता है, और उसके ना होने से आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं वो बताइए। सर, ये वेबसाइट अभी तक कोई दी हुई नहीं है, नए बिल जनरेट हो रहे हैं और हर साल मतलब सेशन एंड हो जाता है इसी तरह, फिर उसके बाद बजट लैप्स हो जाता है। अब की बार कह रहे थे कि लिंक खोलेंगे, बिल जनरेट होते ही नहीं। अगर लिंक खोल देते हैं, बिल जनरेट होते हैं तो एलटीसी मिल जाती है, लेकिन ये एक बहाना है, हर साल इसी तरह सरकता जाता है। जो 2019 में जो हर एक टीचर को या लेक्चरर को एलटीसी मिल जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है।
ये सरकार का भी ढुलमुल रवैया है और डिपार्टमेंट का भी। अगर अध्यापक देखिए सड़कों पे आएंगे बार बार तो बच्चों की पढ़ाई का लोस तो होगा ही, बिल्कुल ठीक है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्या और नए की चीज़ें क्या की ऐड हो सकती है इनमें? सरकार को इसमें कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम पर अपना काम करे। जो अब या तो लिंक खोले जिससे बिल जनरेट हो सके, या पहले कम से कम मैनुअल भी एलटीसी दे सकती है। अगर मैनुअल नहीं दे सकती तो ट्रेजरी में तो बजट आता है लैप्स हो जाता है, कम से कम बिल जनरेट करने के लिए कोई लिंक खोल दे जिससे जल्दी से जल्दी एलटीसी मिल जाए और टीचर का ध्यान इस तरफ ना जाए और बच्चों को स्मूथली पढ़ा सकें। मैं डिपार्टमेंट से भी और सरकार से भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मामले जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास किया जाए और अध्यापकों का ध्यान इस तरफ जाए ही न, समय से निपटान कर दिया जाए। कुछ और साथी भी हैं अगर आप अपने हकों में जोड़ सकें। जी, एक मामला साथ में ACP का है। ACP हर कर्मचारी को 8 साल की सर्विस पूरी होने पर 16 और 24 तीन बार उसका लाभ मिलता है। प्रमोशन ना होने की स्थिति में यह लाभ दिया जाता है। ACP का जिक्र और कर दीजिए, होती क्या है ये? जो ACP है वो हमारी जो प्रमोशन के लिए होती है, तो उसका बार बार लेक्चरर साथियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। उसमें भी यही पहले DO ऑफिस में फाइल जाती है, तो कई बार क्या होता है उसमें ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन लगा के स्कूल को वापस भेज दी जाती है, फिर से फाइल को ऑफिस में भेजा जाता है, फिर दूसरा ऑब्जेक्शन लगता है। एक तो हमारी मांग ये है कि जो भी फाइल में ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, आप एक बार में ही उसको लगाएं और वापस भेज दें। फिर डायरेक्टरेट की मैं बात करूँगा, 11 नवंबर से हमारे कैथल के एक लेक्चरर साथी का जो मामला है, 11 नवंबर से 4 महीने होने को हैं, रघुविंदर जी हैं कोई वहाँ सीट पर, डायरेक्टर कार्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो 4 महीने का अपने आप में, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, तो इतने इतने दिनों तक फाइल को दबाए रखना कहीं ना कहीं इशोर इशारा करता है कि जो साथी है वो परेशान होकर वहाँ मिले और जो भी इससे भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलता है। तो इस समस्या, ये समस्या बार बार आती है, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए समय सीमा निश्चित की जाए कि डायरेक्टरेट ऑफिस में जो ACP का मामला है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो रुकेगा या 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुकेगा, ताकि साथियों को बार बार इस समस्या का सामना ना करना पड़े। आप ये बताइए कि हरियाणा से तकरीबन कितने अध्यापक हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और समाधान के लिए क्या हो सकता है? सर, हज़ारों की संख्या में हैं ऐसे अध्यापक, ऐसा नहीं है, सरकार की बड़ी लापरवाही है ये। सर ने जो जिक्र किया ACP का, ये भी 2020 से पेंडिंग है और हज़ारों साथियों की है, किसी को मिल चुकी है, किसी को अपना हक नहीं मिला है, तो ऐसे साथी हज़ारों की संख्या में हैं। और इसके अलावा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा लापरवाहियाँ होती हैं। शिक्षक एक जो ध्यान से शिक्षण नहीं कर सकता, यानी कि आप ये समझिए जितने भी टीचर साथी हैं उनका ध्यान भंट जाने के कारण, और कब, जब परीक्षाएं बिल्कुल बच्चों के सिर के ऊपर होती हैं, तो अपना शिक्षण व्यवस्था में पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसके अलावा प्रमोशन को देख लीजिए, प्रमोशन के कितने केस पेंडिंग हैं, सैकड़ों की संख्या में स्कूल खाली हैं, प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं है, प्रिंसिपलों की पोस्ट वैकेंट हैं, यानी कि डिपार्टमेंट की लापरवाही और सरकार जो अधिकारी हैं सरकार के इससे रिलेटेड, वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनका इस ओर ध्यान ही नहीं है। 2 साल से कोई प्रिंसिपल की लिस्ट ही नहीं आई है प्रमोशन की, जिसके कारण जो वहाँ की व्यवस्था है मैनेजमेंट की बुरी तरह से चरमरा जाती है। तो ऐसे कई मामले हैं जिसकी ओर सरकार को बड़ा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कोरोना की मार ने जहां पढ़ाई को ख़राब किया, और वहीं अब अगर शिक्षक सड़कों पर आएंगे तो दिक्कत बच्चों की पढ़ाई को होगी, तो सरकार को तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर सब दुरुस्त करना चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, कैथल TV।